बॉलीवुड में कई सारी अभिनेत्रियां अपने शानदार अभिनय और टैलेंट के वजह से इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं। इनमें इंडस्ट्री की फेमस अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे का नाम भी शामिल है। जी हाँ, ये अभिनेत्री बचपन से ही बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देती आ रही हैं और आप लोग इनके फिल्म को देखते ही होंगे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी इनकी सारी बातें तो आप जानते ही होंगे। क्या आप इनके जीवन के इतिहास जानते हैं कि ये अभिनेत्री किस फैमिली से बिलोंग करती हैं और किस तरह से बॉलीवुड में कदम रख पाई? आज के इस वीडियो में हम पद्मिनी कोल्हापुरे के जीवन के इतिहास बताने जा रहे हैं। अगर आप भी इस खूबसूरत अभिनेत्री के जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही आपकी फेवरेट अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की इस खूबसूरत अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म 1 नवंबर 1965 मुंबई में हुआ था, इसलिए इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की है। ये अभिनेत्री एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके पिताजी का नाम पंडरीनाथ कोल्हापुरे है जो कि एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक थे। वहीं इनकी माता का नाम अनुपमा कोल्हापुरे है, ये एक हाउसवाइफ थी। लेकिन बात करें पद्मिनी कोल्हापुरे की इतिहास के बारे में तो ये बचपन से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी, लेकिन आपको बता दें कि इनके पिता एक गायक थे इसलिए इन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ यादों की बारात और दुश्मन दोस्ती जैसी फिल्मों में गाने के लिए कॉरस में गाया था। मगर ये इंडस्ट्री में एक अभिनेत्री के तौर पर अपना एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने मात्र 7 साल की उम्र में ही बतौर बाल कलाकार साल 1976 जिंदगी फिल्म से डेब्यू किया। इन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही अपने किरदार को जबरदस्त तरीके से पर्दे पर उतारा था और इसकी यही अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें और भी कई सारी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने का मौका मिला और उन सब फिल्मों में भी इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद इन्होंने साल 1978 में हमारा संसार फिल्म में से बतौर लीड एक्ट्रेस काम करना शुरू किया, जिसके बाद इनके अच्छे प्रदर्शन से प्रभावित होकर कई सारे प्रोड्यूसर इन्हें लीड रोल में काम करने के लिए मौका दिया और पद्मिनी कोल्हापुरे बॉलीवुड में एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देती गईं, जिनमें थोड़ी सी बेवफाई, इंसाफ का तराजू, आहिस्ता आहिस्ता, प्रेम रोग और पानीपत जैसी कई सारी शानदार फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि इन्होंने सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि मलयालम और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी शानदार एक्टिंग और टैलेंट के वजह से साल 1980 में आई इनकी फिल्म इंसाफ का तराजू के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। साथ ही साथ 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। तब ये सिर्फ 17 साल की थी। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो इन्होंने साल 1986 में प्रदीप शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी, जिन्हें इंडस्ट्री में टूटू शर्मा के नाम से जाना जाता है और ये एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इनके इस शादी से एक बेटा भी हुआ है जिसका नाम प्रियांक शर्मा है। वो भी आज अपनी माँ की तरह ही एक्टिंग को अपना करियर चुन चुके हैं। आखिरी बार पद्मिनी हिंदी फिल्म पानीपत में नजर आई थी और वर्तमान में इन्होंने मराठी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग करियर को जारी रखा है और अपने पति प्रदीप शर्मा और बेटे प्रियांक के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। वेल फ्रेंड, आपको पद्मिनी कोल्हापुरे की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आप हमें उस फिल्म का नाम कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।